औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन बाय द शुअर मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग 11th क्लास हिस्ट्री चैप्टर सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। टू कंटिन्यू दिस टॉपिक, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अरबिया बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम, व्हाट वाज इट्स मेन फ्यूचर्स। Its main futures are agriculture, animal rearing and trade. Basic teen futures हैं जो economic life थी Arab people की before the rise of Islam. We are going to discuss one by one. First of all, we discuss agriculture. जहाँ तक agriculture का ताल्लुक है, agriculture Arab में ज़्यादा नहीं हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर lack of water है, lack of moisture है, पानी ज़्यादा नहीं है, रेनफॉल वहाँ पर नहीं होती थी। बिसाइड ड्यू टू द लेक ऑफ रिवर्स है, मीन्स ऑफ इरीगेशन नहीं है, इट रिजल्ट इज मर्ज प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप्स, इसलिए क्रॉप्स बहुत कम हुआ करते थे। कल्टिवेशन वाज प्रैक्टिस्ड ऑनली उन दोज एरियाज वायर द देर आर सोर्स ऑफ इरीगेशन और सोर्स ऑफ वाटर जहाँ पर अवेलेबल थी, वहाँ पर इरीगेशन हुआ करती थी। द मेन क्रॉप जो अरबों का था वो था डेट पोम यानी खजूर। इट हैज स्पेशल इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ अरबिक पीपल। इट इज वुड जो इसकी लकड़ी होती थी वो इनके लिए थी मेन फ्यूल, इनकी लकड़ी जलाने के लिए मेन सोर्स ऑफ फ्यूल। बार्ले इज ऑल्सो प्रोड्यूसड इन प्लेंटी इन अरबिया, बार्ले वहाँ पर पाए जाते थे। इसका फ्लोर जो है वो इंसान आटे, जो इसका आटा निकलता है इंसान उसका इस्तेमाल करते थे, जो इसका फोडर निकलता था वो एनिमल्स खासकर कैमल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। वीट वाज प्रोड्यूसड इन लार्ज, वीट भी अरब में पाया जाता था, अरब वहाँ यमन में। मिलेट्स एंड राइस वायर प्रोड्यूसड इन अमान में। बिसाइड्स दीज सिवरल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं जो वहाँ पर कोस्टल एरियाज थे। फॉर एग्जाम्पल पोमग्रेनेट है, एप्पल है, एप्रिकॉट्स है, आलमंड्स है, बनानास है, ये वहाँ पर पाए जाते थे। ये थे एग्रीकल्चर के बारे में। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है एनिमल रियरिंग के माने हैं पशुपालन, यानी जानवरों को वो लोग पालते थे। मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द अरब पीपल वाज एनिमल रेयरिंग, खासकर इन एनिमल्स में कौन कौन से वो डोमेस्टिक करते थे, यानी किन किन जानवरों को पालते थे, उनमें कैमल है, हॉर्सेस है, शीप है, गोट है, ये उनके मेन डोमेस्टिक एनिमल्स थे। अमंगस्ट कैमल वाज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब जानवरों में मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो कैमल था। द कैमल इज ऑल्सो नोन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट, उसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोज डेज ऑफ लेक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उस वक्त मीन्स ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन नहीं थी। लाइफ विदाउट कैमल्स इन डेजर्ट वाज अनथिंकेबल, यानी जिंदगी नामुमकिन मानी जाती थी उस वक्त ऊंट के बगैर। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो था कौन, वो यही थे कैमल। पीपल ड्रिंक मिल्क, इन एनिमल्स के जो मिल्क खाते थे, इनके मीट खाते थे। एंड मेक टेंट्स ऑफ कैमल्स सिकन, और इसके सिकन से टेंट्स भी बनाया करते थे। अब जो तीसरा हमारा यहाँ रहा है वो है ट्रेड। प्रायर टू द राइज ऑफ इस्लाम के राइज होने से पहले, द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ अरबिया वाज नॉट मच डेवलप्ड, काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं था ट्रेड। देयर वायर फोर सीजन रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए चार मौसम जिम्मेदार हैं। फर्स्टली द बिडोनियंस हैड ऑलवेज इंडल्गड इन लूट एंड प्लंडर, वो लूट और मार में वहाँ पर थे, दस कॉजिंग एनार्की थ्रू आउट द कंट्री। सेकेंडली ट्रेड रूट्स वायर नॉट सेफ, दूसरी वजह ट्रेड रूट सेफ नहीं थे। थर्डली देयर हैड बीन नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उस अरब में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं थी। द अरबियंस यूज टू प्रोड्यूस द आइटम्स ऑफ नेसेसरी फ्राम द नियर बाई अर्बन मार्केट, जो थे वहाँ पर नेसेसरीज ऑफ लाइफ को हासिल करते थे।